तो तमलंग पायर से अभी मैं जा रहा हूँ वांग प्रचान बाउंड्री चेक पॉइंट की तरफ, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। उन्होंने बताया कि आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, आप वांग प्रचान बॉर्डर की तरफ जाइए, जो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते अभी वहीं पे वांग प्रचान बॉर्डर की तरफ। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअल में मुझे सातुन में भी किसी ने बताया नहीं कि यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, और ये किसी वेबसाइट में भी मुझे नहीं मिला कि यहाँ से इंडियंस को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को फ्रॉम सातुन पोर्ट, जो तमलंग पोर्ट है, वहाँ से लंका। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ। जब मैं तमलंग पायर गया, तमलंग पायर जाते ही मैंने वहाँ पे जो मनी एक्सचेंज करते, करेंसी एक्सचेंज करते, वो आए, वो बोले वेलकम वेलकम, आप साइकिल से, यू आर ट्रैवलिंग साइकिल, जब मैं बोला या हाँ, यू शो मी योर पासपोर्ट, उन्होंने पासपोर्ट देखा, उन्होंने इंडिया का पासपोर्ट देखा और तुरंत बोले इंडियंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम दिस बॉर्डर क्रॉसिंग। मैं बोला भाई आई हैव वीज़ा, मेरे पास प्रॉपर वीज़ा है मलेशिया का, तो आप क्यों मुझे ना कर रहे। बोले नहीं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भी उन्होंने नाम लिए। तो मैं बोला यार वीज़ा होने के बावजूद भी यहाँ से क्यों एंट्री नहीं। बोले थाईलैंड से अगर आप आते हो तो आपको लैंड बॉर्डर में जो दो बॉर्डर के चेक पोस्ट थे, एक अभी हम जो जा रहे हैं वो मैं नीचे लुक दूंगा वहाँ पे, और एक दूसरा बुकित कायू हितम, वहाँ पे यही दो ही लैंड बॉर्डर है जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, या थाईलैंड से बैंकॉक से आप कुआलालंपुर एयरपोर्ट से आ सकते हो, आप इस फेरी से नहीं जा सकते। अरे यार मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे मालूम नहीं था ये। और फिर अभी यहाँ से वापस, एक्चुअली बाद में वो बोले आप रुकिए, हम ऑफिसर आने के बाद आपको बताते हैं पूरी प्रोसीजर। मैं बोला यार कर कुछ तो भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अब यहाँ से वापस 60 किलोमीटर जाना ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो बोले वेट वेट, तो उन्होंने वेट किया, 9 बजे उनके ऑफिसर आए, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो निकाली, होटल बुकिंग्स के भी फ़ोटो निकाली, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने फ़ोटो निकाले। उन्होंने मलेशिया इमिग्रेशन के ऑफिसर को शायद वो भेजा, साइकिल का भी मेरा फ़ोटो निकाला, वो भी भेजा। मेरी जो मन में जो उम्मीद की किरण थी वो जग गई। मैं बोला यार नहीं यार तेरे को एंट्री मिलेगी, मेरे को लग रहा था कि एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आपके पास कैश कितना है, तो उन्होंने मेरे पास एक्चुअली 1200 US डॉलर है, मैंने उनको 500 US डॉलर दिखाए, उन्होंने उस डॉलर के नोट्स का भी फ़ोटो निकाला और मलेशिया इमिग्रेशन वाले ऑफिसर को भेजा। तो मैं बोला अभी तो तू जा सकता है, लेकिन बाद में लगभग एक घंटा फिर बिठा के रखा मुझे वहाँ। एक घंटा बिठाने के बाद उन्होंने बुलाया, बोले सॉरी सर यू कांट एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं बोला इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने मदद करनी चाहिए मेरी कि यहाँ से एंटर हो सकूँ मैं, लेकिन अच्छा हुआ जो वही पता चला मुझे, नहीं तो क्या होता, मैं 450 baht की टिकट निकालता, साइकिल की अलग चार्ज मुझे लगता, और अगर मैं मलेशिया जाकर वहाँ से मुझे वो डिपोर्ट करते तो फिर बहुत प्रॉब्लम मुझे होने वाली थी, क्योंकि वहाँ से फिर 450 baht साइकिल का अलग से देकर मुझे यहाँ आना पड़ता, फिर यहाँ से सातुन में जाना पड़ता, वो हिस्टिक हो जाता। अच्छा हुआ जो तमलंग पायर में ही पता चल गया, और यहीं से अभी हम जा रहे हैं वान प्रचान, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक एक्सपीरियंस आ रहा है यार, मेरे इस एक्सपीरियंस को आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। चलिए तो आप वापस आ गए अभी हम सातुन में, सातुन से अभी वांग प्रचान के जो दूरी यहाँ से है वो 42 किलोमीटर है। थाईलैंड का आखिरी खाना मैंने खा लिया यहाँ पे, मस्त फ्रेश फूड था, ये चिकन एकदम बेस्ट लगा यहाँ का। अगर मैं बता दूँ आपको, जब अगर आप आते हो ना थाईलैंड, तो जब ऐसा आपको एकदम ताज़ा जब ये फ्राई करते हुए दिखाई दे ना, तो सही में वो लेना चाहिए, मस्त लगता है एकदम, बेस्ट चिकन एंड फ्रेश चिकन। ओके, तो होप, आशा करते हैं कि ये हमारा ये थाईलैंड का आखिरी खाना हो, हम अभी डिनर डायरेक्ट मलेशिया में करें। महत्वपूर्ण टिप दे रहा हूँ आपको मैं, अगर आप थाईलैंड से मलेशिया
बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बैंकॉक से आइए हाथियाई। ये देखिए ऊपर हाथियाई लिखा है। हाथियाई आके आप वहाँ से 100 किलोमीटर बॉर्डर रहता है, तो आप वहाँ से बस से भी जा सकते हैं या आप टैक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन हाथियाई आपको आना पड़ेगा। सतुन आके कुछ फ़ायदा नहीं है। सतुन से तमलंग पायर से तो अपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर को एंट्री मिलती नहीं, लेकिन तमलंग पायर का देखना तो हुआ मेरा। तमलंग पायर से जब जो बाहर टैक्सी वाले खड़े रहे थे उन्होंने देखा कि मुझे जाने नहीं दे रहे, तो उन्होंने मुझे इस 50 किलोमीटर की दूरी का साइकिल के साथ 1000 baht उन्होंने मुझे रेट बताया। 1000 baht मतलब अपने हो गए लगभग 2500 के करीब। तो मैंने बोला मुझे इतने पैसे देकर जाना नहीं, मेरे पास इतने थाई बात भी है नहीं। तो वो जब मैं साइकिल निकाल के आगे जाने लगा तो आधा किलोमीटर तक मेरे पीछे थे, 1000 baht से 500 baht तक वो आया, लेकिन तो भी मैं माना नहीं क्योंकि मुझे पैसे की वजह से मतलब आगे भी अगर वहाँ उन्होंने जाने नहीं दिया तो भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला नहीं, मैं 50 किलोमीटर में साइकिल चला के ही जाऊँगा। अभी भी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर बचा है अपना। सातुन के बाद अभी ये जो गांव आपको दिख रहा है ये है चलुंग। चलुंग में टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, ये देखिए फेत्रा नेशनल पार्क, पाकबारा फोर्ट, तारुतू आइलैंड। थाईलैंड में इतने सारे बोर्ड लगे रहते हैं ना यार, आपको जगह जगह पता चल जाता है कहाँ कहाँ क्या है। लाओस कंबोडिया में बहुत ही मतलब मुश्किल था, बार बार मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता था, लेकिन थाईलैंड में वैसा नहीं है। आपको जगह जगह हर जगह आपको बोर्ड दिखाई देंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो तमलंग पायर से चलते चलते आखिरकार अपना बोर्ड यहाँ हमें दिखाई दिया। थाई मलेशिया बॉर्डर बची है 26 किलोमीटर फ्रॉम हियर। क्या नाम है उस बॉर्डर का, वान प्रचान बॉर्डर। तो देखते यार स्मूथली इमिग्रेशन हो, वहाँ से एंट्री मिल जाए, बस यही आशा करते हैं। आप सबकी दुआएं, आप सबके आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो ही मैं ये बॉर्डर पार कर पाऊँगा। तो देखते हैं किस प्रकार से मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर पाऊँगा। वांग प्रचान को जाते वक्त जो रोड है ना, ये बेहद ही खूबसूरत सीनिक ये रोड हमें देखने को मिलता है। दोनों तरफ से पहाड़ियाँ, ये रबरों के खेत, ये केले के बड़े बड़े खेत हमें दिखाई देते हैं और मस्त ये सफ़र अपना जा रहा है वांग प्रचान की तरफ। यहाँ भी टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, था लई बान नेशनल पार्क 17 किलोमीटर। सातुन से वान प्रचार जाते वक्त एक भी बड़ा दुकान मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है, बस ऐसे ही छोटे छोटे दुकान देखते आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे। पूरे पहाड़ को पीछे से क्रॉस करके अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इस पहाड़ के उस साइड सतुन है और इस साइड है ये बॉर्डर एरिया, और ये रबर के खेत यार इतने हैं ना यहाँ पे, जबरदस्त है। धूप तो बहुत अच्छी खिली है लेकिन तेज बारिश की संभावना मुझे लग रही है, क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे हम बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काले बादल भी यहाँ नजर आ रहे हैं। सिर्फ 10 किलोमीटर बाद मलेशिया लगेगा, लेकिन आप ये रोड देखिए थाईलैंड के, यहाँ भी कितने खूबसूरत और अच्छे रोड है। जब से कंबोडिया से मैंने अरण्य प्रथेट बॉर्डर क्रॉस करके साकाइयो, बैंकॉक, बाद में पटाया, पटाया के बाद क्राबी,
सारे सारे रोड क्रावी से सातून, सातून से यहाँ तक इतने रोड बहुत ही खूबसूरत रोड है और बेहद ही अच्छे हैं। थाईलैंड के इस रोड को मैं 10 out of 10 मार्क्स दूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे ये पूरे रोड बनाए गए हैं। सारे शहरों की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। मुझे लगा जैसे जैसे बॉर्डर नज़दीक आएगी वैसे वैसे रोड बेहद ही ख़राब होते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बस्ती नज़र नहीं आती, ज़्यादा लोगों की रहने की जो जनसंख्या है वो यहाँ पे कम नज़र आती है, तो भी रोड बेहद ही खूबसूरत और अच्छे रोड है ये। जिसका डर था वही हुआ, बारिश अब यहाँ पे आ गई है तेज। एक तो यहाँ पे शेल्टर भी नज़र नहीं आ रहा है, आगे है तो आगे जाके अभी रुकता हूँ मैं, गीला नहीं होना चाहता यार मैं। तो तेज़ बारिश यहाँ आने लगी तो यहाँ पे अभी एक रेस्टोरेंट दिखा मुझे, बड़ा रेस्टोरेंट है काफ़ी, तो यहीं पे अभी ठंडा लिया मैंने पीने के लिए, स्प्राइट। ओके स्प्राइट, और ये बर्फ का ग्लास देते, नो नो नो, ओके चलो यहाँ बैठते हैं और पीते हैं आराम से। बहुत ही तेज बारिश यार यहाँ आ रही है, तो बॉर्डर क्रॉस करूँ या नहीं करूँ क्योंकि अभी 2:30 बजने को आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करने को लगभग 1 घंटा अपना निकल जाएगा। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब जब मैं बॉर्डर क्रॉस करने को जाता हूँ तब तब एकदम तेज़ बारिश आने लगती है। वियतनाम से जब लाओस जा रहा था तब भी बॉर्डर क्रॉस करते समय ही बारिश आ गई, लाओस से कंबोडिया, कंबोडिया से थाईलैंड, और अभी आज थाईलैंड से मलेशिया जाना मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ है ना कि मैं साइकिल खड़ी करो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, 1 घंटा रुको, बाद में सारा इमिग्रेशन प्रोसेस, उसमें बहुत वक्त जाता है। इसलिए सोच रहा हूँ कि यही रुकूँ या क्या करूँ। यहाँ रुकने की सुविधा तो है नहीं है, खाली एक होटल है, लेकिन आके ये देखूँगा मैं तो कोई सुविधा हो, बारिश रुक जाए तो क्रॉस भी करेंगे, लेकिन अभी समय हो गया है यार, बहुत समय हो गया है, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे एक देखा है मुझे, पेड़ का चिन्ह दिखा इसलिए मैं रुका, बांसुवार तोंदिन यहाँ पे आया हूँ मैं, तो चलता हूँ पूछता हूँ यहाँ पे। अभी बिल्कुल ही बॉर्डर के नज़दीक ही फिर से एक बार मैंने यहाँ पे स्टे ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल रूम है, तो मैंने ये बोर्ड पढ़ा और यहाँ पे रूम ले लिया। ये है बांसुवार तोंदिन, इस प्रकार का ये गेस्ट हाउस है। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ, मेरा साइकिल में लेता हूँ। अभी रूम लिया तो बारिश रुक गई है, ऐसा ही होता है, जब रूम लेता हूँ तो बारिश रुक जाती है। ये रूम भी इतने मतलब पहाड़ों के बीच में है ना यार, सेमी मतलब बहुत ही अच्छा स्टे ये रहने वाला है। और यह आवाज़ देखिए ना आप, ये देखिए आवाज़, रात को तो ये बहुत ही आवाज़ होने वाली है यहाँ पे। और रबर के पेड़ तो हर जगह में देखते आ रहा हूँ, जब से क्रावी में एंटर हुआ हूँ तब से ये रबर के पेड़ देखते ही अपना सफ़र बढ़ रहा है। और मैं अभी आपको रूम दिखाता हूँ किस प्रकार है। वांग प्राचान जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे ये देखिए, अभी सारे कपड़े मेरे गीले हो गए थे, ये सुखाने को डाल दिए हैं। और कुछ इस प्रकार है, यहाँ एसी वगैरह लगा है, लेकिन अभी थोड़ा ठंड का मौसम यहाँ पे हो गया है तो मैंने एसी भी बंद रखा है। और मैं कब से यहाँ पे बैठ के होटल की बुकिंग्स कर रहा था, वाईफाई फ्री है यहाँ पे, तो मैंने लगभग 15 दिन की होटल की बुकिंग्स अभी मैंने यहाँ पे की है। कोई भी प्रॉब्लम हमें कल बॉर्डर क्रॉस करने में ना आए तो सारे होटल की बुकिंग्स मैंने कर दी है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसके PDF डाउनलोड करके मोबाइल में रखे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग शॉप तो है नहीं कि जहाँ से मैं प्रिंट निकाल के बॉर्डर पे दिखा सकूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने क्लियर करके रखे हैं, तो देखते हैं कैसे कल का अपना दिन रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि तंबलंग पायर से मैं किस प्रकार वांग प्राचान आया, अभी भी मैंने बॉर्डर क्रॉस नहीं की है। तो कल 27 अक्टूबर लगभग अपना 58वें दिन हम मलेशिया में एंटर हो जाएंगे, होप आशा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
छह देशों की साइकिल यात्रा में कल अभी हम जाएंगे मलेशिया। आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद के साथ बने रहिए, यही आशा करते हैं।